गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर फोर। और आज पढ़ना है एक्चुअली में कैपेसिटर कहते किसको हैं। सर, आपने तो बताया था कि चार्ज रखने की क्षमता सब चीजों में होती है, लेकिन सारे वस्तु कैपेसिटर नहीं कहे जाते हैं। सिंस ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव देयर कैपेसिटी बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कैपेसिटर। सब में चार्ज रखने की क्षमता होती है, लेकिन सारे लोग कैपेसिटर नहीं है। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कैपेसिटर कहते किसको है। तो ध्यान देंगे, कैपेसिटर है सिस्टम और अरेंजमेंट इन विच द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आर्टिफिशियली इंक्रीज बाय प्लेसिंग अनदर कंडक्टर क्लोज टू इट एंड जनरली इट इज आस्क्ड। फिर से समझ लीजिए कि कैपेसिटर जो है एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस को हम लोग बढ़ाते हैं दूसरा कोई कंडक्टर उसके करीब रख के, जो जनरली अर्थिंग किया रहता है। ये तो डिफिनेशन पहले लिख लीजिए, तब कहानी में हम लोग आएंगे। एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स इन विच कैपेसिटेंस ऑफ वन इज जनरली इंक्रीज्ड इन विच कैपेसिटेंस ऑफ वन इज इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग अदर कंडक्टर क्लोज टू इट विच इज जनरली अर्थ। ये डिफरेंस समझ क्या था? जो जितना चार्ज कम ही पोटेंशियल पर, हम लोग जानते थे C=Q/V, तो जिसका जितना कम पोटेंशियल रहेगा उसका उतना कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा और वो उतना बेहतर कैपेसिटर कहलाएगा। तो ये सब बेहतर कैपेसिटर नहीं थे, क्योंकि हम लोग देखे थे कि बहुत बड़ा रेडियस था अर्थ का और कैपेसिटेंस बहुत मामूली था, तो वो कैपेसिटर नहीं था। कैपेसिटर में चार्ज बहुत ज्यादा रखे, कम पोटेंशियल रेज करे तो उसका कैपेसिटेंस ज्यादा रहे, मतलब बहुत कम पोटेंशियल में बहुत ज्यादा चार्ज रखे तो वो कैपेसिटर है। और जनरली तब होता है जब दो प्लेट को हम लोग या दो बॉडी को एक दूसरे के करीब रखते हैं, जिसके वजह से एक बॉडी का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है साइज बगैर बढ़ाए। तो हम लोग इस डिफिनेशन को समझ लिए हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं कि किसी भी बॉडी का कैपेसिटेंस उसके नजदीक दूसरे बॉडी को रख करके, जो जनरली अर्थ रहता है, अगर बढ़ा दिया जाए तो उस बॉडी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। देख लीजिए, इसके कंसेप्ट पे हम लोग जाएंगे। क्या है कंसेप्ट? कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला देखिए, हम लोग जानते हैं सी बड़ा रखना है उसको कैपेसिटर कहेंगे, पोटेंशियल नहीं बढ़ना चाहिए, मेरा मतलब सी बड़ा होना चाहिए, कम ही पोटेंशियल पर ज्यादा चार्ज रखे। तो सी हम लोग देखते हैं 4π ε₀ r। रेडियस अगर किसी बॉडी का बढ़ता है, मेरा मतलब साइज बढ़ता है, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर किसी का रेडियस 9 × 10⁻⁹ है तो उसका कैपेसिटेंस 1 F होगा।
तो क्या हमारे पास डिवाइस इतना बड़ा बड़ा रहेगा, इतना मीटर सॉरी अर्थ का हम लोग देख रहे हैं तो बहुत मामूली है। तो अर्थ अच्छा कैपेसिटर नहीं है, अर्थ अच्छा कैपेसिटर नहीं है, साइज भी नहीं बढ़ना चाहिए ज्यादा, ये कन्वीनियंस नहीं है, सुविधाजनक नहीं है, ये सुविधाजनक नहीं है। तो हम लोग इस पर ध्यान, इसको कहेंगे ये कैपेसिटर नहीं, ऑल दो इट हैज कैपेसिटी बट इट इज नॉट कॉल्ड एज कैपेसिटर, क्योंकि साइज भी ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा तो देखते हैं कि साइज बढ़ाए बगैर क्या कर सकते हैं, सी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कहता है कि हम लोग देखे थे, पहला तो देखे थे कि एरिया बढ़ेगा फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस, फर्स्ट लेक्चर में नहीं समझ में आता है फर्स्ट लेक्चर देखिए, सेकेंड लेक्चर देखिए, थर्ड लेक्चर देखिए, फोर्थ लेक्चर, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑन द चैनल मैग्नस क्लासेस बाय दीपक सर। तो देखिए हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर अगर सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करता था, थर्ड में था सराउंडिंग मीडियम पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है तो ये इतना गुना बढ़ जाता था, इतना गुना, क्योंकि किसी मीडियम में कैपेसिटेंस बराबर होता है किसी वस्तु का 4πε r। तो यदि उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस विद रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। तो अगर ये एप्सिलॉन r, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना गुना बढ़ता है तो ये भी इतना गुना बढ़ जाएगा, मतलब ये गुना, इसको हटा दीजिए। तो ये एक तरीका हो सकता है साइज बढ़ाए बगैर, साइज बढ़ाए बगैर कैपेसिटेंस को बढ़ा देना किसी वस्तु का, कैपेसिटेंस को बढ़ा देना, ये सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन इससे भी अच्छा एक तरीका है, और हम तीसरा पॉइंट क्या लिखवाए थे, पहला तो लिखवाए थे साइज जो कि देखे उसको कैपेसिटर नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा साइज था और वो कन्वीनियंस नहीं था, हम लोग उसको फैन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मोबाइल में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अतः वह कैपेसिटर नहीं। साइज बढ़ाए बगैर ऐसा व्यवस्था कर दे कि बहुत छोटे साइज में बहुत बड़ा ज्यादा चार्ज रखे और पोटेंशियल भी इस कदर ना बढ़े कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए, उस पर हम लोग आएंगे। अब देखिए तीसरा क्या था, तीसरा था कि आप नियरनेस ऑफ एनी कंडक्टर, नियरनेस ऑफ एनी कंडक्टर याद कीजिए, नियरनेस ऑफ ऑफ एनी कंडक्टर ये प्रभावित करता है कैपेसिटेंस को। तो इसी का हम लोग भरपूर इस्तेमाल करेंगे, दूसरा कंडक्टर को करीब रख के उसके कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे, फिर इसका भी इस्तेमाल करेंगे, ये दो का इस्तेमाल करेंगे ये बढ़ेगा, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे कि ये बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस हम लोग बढ़ाएंगे आर्टिफिशियली, कैपेसिटेंस हम लोग आर्टिफिशियली बढ़ाएंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरे कंडक्टर को किसी कंडक्टर के करीब रख के कैसे उसके कैपेसिटेंस को बढ़ा देते हैं और अतः वह कैपेसिटर कहलाने लगता है। तो सबसे पहले इस पर हम लोग आएंगे, लेकिन देख लीजिए फिलहाल आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि इसको अगर चार्ज करते जाएंगे, चार्ज बढ़ाते जाएंगे, बच्चों चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल ही बढ़ता जाएगा, मेरा मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ता जाएगा, मतलब ये चार्ज बढ़ेगा तो आपस में रिपल्शन बढ़ेगा और रिपल्शन ज्यादा होगा। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को ला करके देखिए, इसमें फोर्स आकर तेजी से डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये गुड कंडक्टर है तब यहां से यहां, इसका मतलब इसमें फोर्स आकर डिस्प्लेसमेंट करने की क्षमता है, यानी कि इसमें काम करने की क्षमता है और काम करने की क्षमता है इसमें एनर्जी। अगर आपके अंदर एनर्जी है तो आप फोर्स लाकर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, मारते हैं किसी को, तो इसमें काम करने की क्षमता है, काम करने की क्षमता जिस बॉडी में है उस बॉडी में एनर्जी है, तो इसमें एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो इसमें चार्ज बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और फलस्वरूप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, मेरा मतलब रिपल्शन बढ़ता जाएगा, फ्लाई ऑफ करने की कोशिश करें। एक ऐसा स्थिति आएगा कि
बैड कंडक्टर चारों तरफ है, सराउंडिंग मीडियम पे तो डिपेंड करता है कि कैपेसिटी इसका चार्ज डालते जा रहा है, रखते जा रहा है, रखते जा रहा है, लेकिन सराउंडिंग मीडियम बैड कंडक्टर है। एक ऐसा समय आएगा अगर गुड कंडक्टर आता तो थोड़े से चार्ज में फ्लो करना शुरू करता, क्योंकि इसका पोटेंशियल बढ़ता, हायर पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल की तरफ भागता। अगर वो तार अर्थिंग किया होता तब। अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि क्या होता है, क्या होता है इन केस कि जब हम लोग इसके चार्ज को बढ़ाते जाते हैं, पोटेंशियल बढ़ता जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है। मान लिया ये बैड कंडक्टर है हवा, जो न्यूक्लियस है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे कोरोना डिस्चार्ज वगैरह में, डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में, और इधर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। एक सिंपल सा डायग्राम हम बता रहे हैं। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कौन बांध के रखता है, ये प्रोटॉन। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन बांध के रखता है, जितना इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के लिए प्रीति है उससे ज्यादा प्रीति अगर इधर हो जाए, ज्यादा ये अट्रैक्ट करने लगे, क्योंकि यहां पर चार्ज ज्यादा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इनटू Q2 बाय RS पर, इस पर तो निर्भर करता ही है, साथ में इनके प्रोडक्ट पर भी निर्भर करता है, जिसमें ये ज्यादा है, Q1 ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। इसके ये जितना अट्रैक्ट कर रहा है उससे ज्यादा ये अट्रैक्ट करने लगे तो इलेक्ट्रॉन यहां भाग लेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसका न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइक चार्ज रिपेल्स इच अदर, ये इधर भागना शुरू हो। तो ये क्या होता है, अब वही होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा, और जब होगी मुलाकात तो दोनों मिलकर मर जाएंगे, चार्ज हो जाएगा धीरे धीरे इसका कम, चार्ज हो जाएगा धीरे धीरे कम, और ये इधर भागना शुरू, मतलब ऐसा प्रतीत होता है इसका पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है और इसका चार्ज घट रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके इसको कैंसिल कर दे रहे हैं। तो हवा में भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक निश्चित चार्ज से ज्यादा इसमें चार्ज नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल इतना बढ़ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इतना बढ़ जाता है कि भागना शुरू करता है। इसी चीज को हम लोग को बढ़ाना है, ये कैपेसिटर नहीं है, इसको और ज्यादा हम लोग बढ़ा देंगे, साइज को बगैर बढ़ाए। तो देख लीजिए, हम दूसरा जो फैक्टर था जो कैपेसिटेंस को प्रभावित कर रहा था, उस फैक्टर का इस्तेमाल करके और हम लोग ध्यान देंगे। मान ये एक प्लेट है, दूसरा कह रहा था कि नियरनेस ऑफ अदर कंडक्टर, मान लिया एक प्लेट है, इसको हम कैपेसिटर बनाना चाह रहे हैं कि साइज छोटा ही रहे, पोटेंशियल भी कम बढ़े, चार्ज बहुत ज्यादा रखे, ये कैपेसिटर हो जाएगा। इस पर मान लिया हमने चार्ज दिया क्यू, अब चार्ज ज्यादा देंगे तो भागना शुरू कर देगा हवा में। बैड कंडक्टर होने से फायदा है, चार्ज को ज्यादा बांध के रखता है, अगर गुड कंडक्टर होता तो चार्ज को बांध के रखता ही नहीं, मीडियम अगर गुड कंडक्टर होता तो। तो अब देखते हैं, लेकिन फिर भी ये कैपेसिटर नहीं है। अब क्या करते हैं कि इसका चार्ज प्लस क्यू, इसका पोटेंशियल मान लिया भी। अब इसके करीब में एक और मेटालिक प्लेट हम लोग रख दिए, अब क्या होगा, ये इसको खींचेगा। किसको खींचेगा भाई, तो इलेक्ट्रॉन के संख्या प्रोटॉन के संख्या तो इस बॉडी में बराबर था, क्योंकि बॉडी वाज न्यूट्रल ना। हाँ, तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज एपियर हो जाएगा इधर, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, प्रति इलेक्ट्रॉन के लिए जितना पॉजिटिव चार्ज यहां उपलब्ध थे उससे कहीं ज्यादा यहां उपलब्ध है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर खींचा जाएगा और पॉजिटिव बेचारे रिपेयर तो होंगे लेकिन वो भाग नहीं पाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के वजह से इधर बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए क्या होता है, इसका चार्ज क्या होगा इतना, अब यूनिट ऑफ इसका पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ होगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल, इस सरफेस का पॉजिटिव पोटेंशियल, तो क्या न्यूमेरिकली तीनों का पोटेंशियल बराबर होगा, नहीं, तीनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। अच्छा, तीनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, अब कोई कहे कि इसका इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है,
प्लस क्यू ही है या क्यू, इसको जनरली लिख सकते हैं। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में, सिस्टम तक लाने में कितना कार्य संपन्न होगा, मेरा मतलब किस कितना इसका सिस्टम का पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये काफी करीब है, सिस्टम बना रहे हैं, कितना पोटेंशियल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी वन माइनस वी टू और प्लस वी थ्री। अब ये देखिए, अब ये देखिए कि वी वन ज्यादा है कि नहीं, वी वन माइनस वी टू प्लस वी थ्री से, क्योंकि जैसे जैसे दूरी चेंज हो रहा है इसका पोटेंशियल घटते जा रहा है, इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। अच्छा चलिए, यदि पोटेंशियल घट गया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया इसका, आप कहेंगे सर इसका पोटेंशियल तो वी वन ही रहा ना, नहीं, हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक ला करके देखेंगे, ये उसको रिपेल करेगा, आने नहीं देगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, तो जो फोर्स लगाकर वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, काम कर रहे थे फोर्स लगाकर जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, ई डॉट डी आर इजकल टू डी वी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी चेंज हो गया पॉजिटिव और निगेटिव की वजह से, अतः पोटेंशियल भी चेंज हो गया। अब देखिए, अब देखिए, अब यहां तक अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि धीरे से इसको अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग कर दिए। अब जब चूंकि अर्थिंग कर दिए, अर्थिंग कर दिए तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचने में नाकाम हो गया, क्योंकि इसके लिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज उपलब्ध है बहुत बड़ी मात्रा में, तो ये इधर से अर्थ से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल होता है जीरो, तो खींचना शुरू कर दिया, जैसे जैसे खींचा वैसे वैसे ये स्थिति बन गई, वैसे वैसे ये स्थिति बन गई, और ये हो गया, इस ये वाला साइड हो गया डिस्चार्ज। अब देखिए पोटेंशियल और ज्यादा घट गया, पोटेंशियल और घट गया तो कैपेसिटेंस और बढ़ गया, और वी वन माइनस वी टू को हम लोग भी कहेंगे आज से कैपेसिटर में, तो पोटेंशियल घट गया, चार्ज तो उतना ही का उतना ही है, सिस्टम का पोटेंशियल घट गया, चार्ज तो उतना ही का उतना ही है, तो पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज रहता है वही कैपेसिटर का चार्ज कहा जाता है, ऐसे इंटायर चार्ज तो हो जाएगा इस पर प्लस क्यू, आज जितना ये है कंडक्टर को उतना ही ना चार्ज उत्पन्न होता है यहां पे, ये हो जाएगा माइनस क्यू, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा जीरो, लेकिन जीरो कंडक्टर ये कैपेसिटर का चार्ज नहीं कहा जाता है, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वही कैपेसिटर का चार्ज कहा जाता है, और दोनों मिलाकर के जो पोटेंशियल होते हैं, अगर ऐसे कहें तो वी वन माइनस वी टू जो है वही कैपेसिटर का पोटेंशियल कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टर प्लेट, इसको कहते हैं कंडेंसर प्लेट, जनरली लोग कहते हैं ऐसे, कोई कहा जाए कोई जरूरी नहीं है, एक पॉजिटिव प्लेट एक निगेटिव प्लेट भी आप कह सकते हैं, तो ये स्थिति बनता है। अब बारीकी से सोचिए, बारीकी से सोचिए, हम पोटेंशियल क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि चार्ज जो है क्यों नहीं भाग पाता है, फ्लाई ऑफ हो पाता है, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के रखने वाला निगेटिव भी तो है, यही निगेटिव पॉजिटिव को फ्लाई ऑफ नहीं होने देता है, तभी पल्सर हो रहा है उसके बावजूद भी भागने नहीं देता है, इसके एनर्जी को पकड़ के रखता है, शांत करके रखता है, और निगेटिव वाला को कौन पकड़ के रखता है, पॉजिटिव वाला, तो नियरनेस ऑफ जो प्लेट है, नियरनेस ऑफ कंडक्टर जो है कैपेसिटेंस को प्रभावित कर रहे हैं, और कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है बिना साइज बढ़ाए हुए, इसको कैपेसिटर हम लोग कहेंगे, इसको हम लोग कैपेसिटर कहेंगे। एक और तरीका है कैपेसिटेंस को प्रभावित करने का, हाँ जी, तो सर बताए थे फैक्टर इफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए बॉडी, अगर इसमें डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं, अगर इसमें डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं, फूल की हवा बना डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं, तो
अगर फूल ना रहे या फूल रहे फिर भी प्रभावित करेगा। कैसे कैसे प्रभावित करेगा, अगर फूल हो तो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, एक तो कि ये घटा ही दिया और कहता है कि अगर बीच में कोई मीडियम डालते हैं तो ये पोलराइज हो जाएगा। पढ़े थे सर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़े थे सर, लेकिन याद नहीं है सर, शुरुआत में ही पढ़े थे सर। पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन होने के वजह से ये भी चार्ज को बांध के रखने में सहायता करेगा। और हम लोग देखे थे कि अगर इसका पूरी तरह से भरा हुआ है, इसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो सी जो है फाइनल सी वो हवा वाले सी से एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगा। इसकी हम चर्चा करेंगे कि जब बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं तब क्या होता है, आगे लेक्चर में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हम समझते हैं कि यहां के बाद चीजों को आप समझ गए होंगे। चलिए चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। चलिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैपेसिटर के कैपेसिटर्स को भी प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं जो एक्चुअली में कैपेसिटर है, है ना, तो उसको भी प्रभावित करने वाले फैक्टर है। लेकिन एक डेरिवेशन हम लोग देख लेंगे तब उसको जानना काफी आसान हो जाएगा। ऐसे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, देख लीजिए टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। अरे ऐसे तो कैपेसिटर बहुत तरह के बना सकते हैं, लेकिन जनरली तीन तरह के कैपेसिटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे प्रमुख है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है। तो चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये तीनों आप लोग लिख लिए होंगे, तीन तरह का कैपेसिटर है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिफिनेशन समझ लेते हैं। तो क्या होगा डिफिनेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, सर इतना ज्यादा बताइएगा सर, हम लोग थक गए सर समझ समझ के थक गए। हाँ जी, इसके पहले वाले लेक्चर थर्ड में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था और हमने बोला था कि आप कमेंट करके बताएंगे किसका कितना आंसर आया है। तो उम्मीद करते हैं आप कमेंट करेंगे, सोल्व करेंगे घर में। और दूसरी बात, जितना तीन टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, मतलब तीन लेक्चर मेरा हो गया है, और उन तीनों लेक्चर से क्वेश्चन सेलेक्ट करके, क्वेश्चन बना करके मैग्नस क्लासेस के फेसबुक पेज पे हम डाल देंगे। आप उसको सोल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, आज आपको डाल दिया जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहले वाले टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस लॉ, ये सब टॉपिक भी आपको बताया जाएगा। आप देखते रहिए मैग्नस क्लासेस बलदीपक सर। तो चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसका देख लेते हैं। हम समझते हैं इसका कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
ये काफी कम दूरी पर रखा हुआ है, ये दूरी r है, इस पर चार्ज है प्लस q, इस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा माइनस q, ये साइड अर्थिंग किया हुआ है। चलिए ये बन गया कैपेसिटर, इसके बीच का v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v है, कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इसको v है, ये v है। अब ये दोनों के बीच का पोटेंशियल हम घटाए, सॉरी v1 माइनस v2 किए तो ये v निकला, लेकिन चार्ज तो पॉजिटिव प्लेट वाले का जो चार्ज है वही ना कैपेसिटर का चार्ज कहलाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, निकालने के कई तरीके हैं। मान लें कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका फील्ड इधर और इसका भी इधर दोनों के जोड़ देंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों का चार्ज डेंसिटी बराबर होगा, इसके वजह से अगर फील्ड इधर होगा तो इसके वजह से भी इधर ही होगा, ये इधर से इधर और ये भी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भागने का डायरेक्शन इधर से इधर होगा और जो पॉजिटिव चार्ज भागने का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। तो दोनों का फील्ड हम लोग जोड़ेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, अगर हवा है तब। अच्छा, ये इतना कम दूरी पर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी थ्रू आउट द गैप हर जगह बराबर है, लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है पैरेलल हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन की बात ही नहीं आती है, इंटीग्रेट भी करेंगे तो उतना ही होगा इंटीग्रेट, क्योंकि हर जगह ई डॉट डी आर, तो पूरे आर के लिए इसको डी मानिए, आर को डी मानिए, पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए डी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी चेंज नहीं होगा, अतः हम लोग ई इंटू डी कर सकते हैं, तो आपको निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इतना है तो भी बराबर लिख सकते हैं ई इंटू डी। अच्छा, तो भी इक्वल टू लिख सकते हैं ई के जगह पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये भी निकल गया, चार तो हमको पता है, चार्ज पता है क्यू। अच्छा, अगर इसका एरिया ए है, तो क्यू बाई ए बराबर हो जाएगा सिग्मा। अच्छा, क्यू बराबर लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, हो गया इसका, इसी का चार्ज निकालना, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है वही कैपेसिटर का चार्ज था। तो इसका एरिया है ए, इसका भी एरिया है ए, इसका चार्ज है क्यू, तो क्यू बाई ए करेंगे तो चार्ज डेंसिटी निकल जाएगा और सिग्मा इंटू ए करेंगे तो क्यू निकल जाएगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं सर कैपेसिटेंस बराबर क्यू बाई भी, तो क्यू के जगह पर सिग्मा इंटू ए और भी के जगह पर तो सबको पता है सर, सिग्मा डी इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हो जाएगा सर, ये आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैप्ट, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितना है डी, ये काफी छोटा होना चाहिए, डी जितना कम रहेगा सी उतना ही ज्यादा होगा। देख लीजिए कौन कौन फैक्टर प्रभावित करता है, सी जितना कम रहेगा डी उतना ही ज्यादा रहेगा, इनवर्सली रिलेटेड है। अच्छा, कहता है एरिया जितना ज्यादा रहेगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, प्लेट का एरिया बढ़ेंगे। अब कहता है एप्सिलॉन नॉट, अगर हवा है तो एप्सिलॉन नॉट और बीच में अगर कोई दूसरा मीडियम है, तो एप्सिलॉन नॉट के जगह पर एप्सिलॉन लिखेंगे, और इसका मतलब होता है तो ये चेंज होगा एप्सिलॉन नॉट, ये भी चेंज हो जाएगा, मतलब अगर किसी का एब्सोल्यूट परमिटिविटी बढ़ता है तो कैपेसिटेंस भी उसका बढ़ जाएगा, तो ये है आज का कहानी,
ये है आज का कहानी। एक क्वेश्चन जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। पहले इसका थोड़ा सा कहानी लिखवा देते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। लेट वी हैव टू प्लेट्स, लेट वी हैव अ पैरेलल प्लेट, माफ कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग देख रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देख रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिफिनेशन लिख रहे थे। और तब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे पहले इसको और उसके बाद इसको। हाँ तो दोस्तों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको कहते हैं, तो उसका कहानी पहले लिख लेते हैं हम लोग, कहानी पहले लिख लेते हैं फिर डेरिवेशन करेंगे। कैपेसिटर हुज बोथ ऑफ प्लेट्स आर प्लेन एंड पैरेलल कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए अब निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए डेरिवेशन में सबसे पहले देखते हैं कि लेट वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस सी चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इज वी। नाउ इफ एरिया ऑफ प्लेट्स आर एक प्लेट का एरिया ए है, अब देखते हैं डायग्राम हम लोग बनाएंगे और यहां समझना ये है इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पर खुद ब खुद निगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इस पर जो चार्ज होगा वही प्लेट का चार्ज आएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया भी। इस साइड को अर्थिंग किया गया, इस साइड चार्ज नहीं रहेगा, ये चार्ज इंड्यूस हुआ है, हमने आपको बता दिया है। चलिए नाउ We know that C is equal to Q by V. Here charge is equal to Q or Q is equal to sigma into A. Here sigma is
चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी। चलिए ये कहानी हो। नाउ भी कैसे निकालेंगे? तो भी निकालने का तरीका है भी इक्वल टू इनटू डी, ये फासला डी है। अब कहिए कि इंटीग्रेट क्यों नहीं किए? अरे भाई हर इतना नजदीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी सब जगह बराबर है। इधर से दूर जाएंगे तो पॉजिटिव के वजह से घटेगा तो निगेटिव के वजह से बढ़ेगा, दोनों का इंटेंसिटी जोड़ देंगे। पॉजिटिव चार्ज भागने के डायरेक्शन को इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहते हैं। इधर से रिपेल करेगा और इधर से अट्रैक्ट करेगा। क्लास में हमने आपको बताया ये इसका रिपल्सन कम होगा, जिससे कम होगा इसका अट्रैक्शन बढ़े रहेगा। अतः हर जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स एक जैसा होगा। अतः थ्रू आउट द डी इंटेंसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट, सो देर इज नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे ई के मतलब क्या। अगर प्लेट बहुत बड़ा है, तो इंटेंसिटी हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी में ऐसे ही निकाला है। कैसे? हम लोग जानते हैं ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर हवा है तब। तो इसका इंटेंसिटी, इस प्लेट के वजह से इंटेंसिटी और इस प्लेट के वजह से इंटेंसिटी, दोनों के वजह से इंटेंसिटी हम लोग जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इफ इंटरवेनिंग मीडियम इज एयर और वैक्यूम, इंटरवेनिंग मीडियम एयर वैक्यूम है तो यहां पर एब्सेंट हो जाएगा, हो गया। अच्छा अब देखते हैं हियर इंटेंसिटी इज इक्वल टू, दोनों का हम लोग जोड़ देंगे। अच्छा यहां पर लिख सकते हैं बाय गॉस थ्योरम, ये सबसे आसान तरीका। इधर मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं, कहानी को मिटा दिए। अब क्या है हम लोग जानते हैं सी इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन मानेंगे सेकेंड, ये मानेंगे इक्वेशन थर्ड। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा सी इज इक्वल टू सिग्मा ए क्यू बाई वी के जगह पर माफ कीजिएगा, ये डी नहीं लिखे, तो वी इज इक्वल टू सॉरी एंड वी इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, क्योंकि ई के जगह पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पर लिख दिए डी। ई इसलिए कि ये इस प्लेट के वजह से भी इंटेंसिटी है और इस प्लेट के वजह से भी इंटेंसिटी है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, एक पॉजिटिव चार्ज खींचेगा ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, बाहर में जीरो होगा। यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, यहां पर फ्रिंजेस बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है। हम आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता चुके हैं, तो इस चीज को हम लोग अभी इग्नोर करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि चार्ज हम बीच से ले जा रहे हैं। तो यहां पर इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड। अब लिखेंगे पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सी इज इक्वल टू सिग्मा ए क्यू बाई वी, वी के जगह पर सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सी इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट।
ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। चलिए यहां तक कहानी लिख लिए होंगे, इधर मिटा देते हैं, जल्दी से पहुंच करके आप इसको नोट बना सकते हैं, इधर से मिटा देते हैं, इधर से मिटा देते हैं। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सी। तो पहला ये देख लीजिए एरिया, दूसरा देख लीजिए एरिया ऑफ प्लेट, देख सकते हैं एरिया ऑफ प्लेट लिख सकते हैं। दूसरा लिखिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम या इंटरवेनिंग मीडियम लिख दीजिए, इंटरवेनिंग मीडियम अगर, और यहां पर लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू, अगर कोई मीडियम है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ मीडियम इज नॉट एयर और वैक्यूम, अगर मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं है ये फॉर्मूला। दूसरा और तीसरा यहां पर लिखिए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए परमिटिविटी, और यहां पर लिखिए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आर, और यहां पर लिखिए तीसरा में लिखिए डिस्टेंसेस बिटवीन प्लेट्स, और यहां पर लिखेंगे सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। डी छोटा रहेगा तो ज्यादा बांध कर रखेंगे, कितना भी चार्ज देंगे तो ये निगेटिव पॉजिटिव को फ्लाई नहीं होने देगा और पॉजिटिव निगेटिव को फ्लाई नहीं होने देगा ये। तो चलिए बच्चे आज एक न्यूमेरिकल और देते हैं, उसके बाद आज क्लास समाप्त करेंगे, और आप लगे हुए रहिए इस चैनल पे। एक न्यूमेरिकल देते हैं, एचसी वर्मा का न्यूमेरिकल है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी उपलब्ध है, किसी के पास चोरी नहीं करेंगे, चोरी जब नजरें मिली, चोरी तब निंदे उड़ी, चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा, नहीं है मजा, आप खुद से बनाइए तब है मजा, खुद से बनाइए। फिजिक्स आपका नींद नहीं उड़ाएगा। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल क्या है? अ पैलेट प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड separation between plates is 2 mm, plates are connected by 12 volt battery, find the charge on the plate, charge on capacitor and extra charge given by battery when distance between plates are decreased by 1 mm। हाँ जी, इसको बना करके
बना करके आपको दिखाना है, इसको बना करके आपको दिखाना है। ये क्वेश्चन है आपका, समय बहुत ज्यादा हो गया है, समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसको आपको बना करके दिखाना है। तो क्या सर, बाहर कोरोना से परेशान, इधर क्वेश्चन से परेशान, परेशानी तो है जिंदगी में, आप इसको अच्छे से बनाइए, अच्छे से बनाइए। इसमें क्या करना है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, पैनल प्लेट कैपेसिटर, 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, 2 mm का सेपरेशन है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका प्लेट का एरिया है, और इसको बना करके लाना है। और आप कल मतलब अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे हम, लेकिन उस समय आपको बताया जाएगा जब बीच में डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं तब क्या होता है, और बैटरी जोड़ कर रखते हैं तब क्या होता है, और बैटरी हटा देते हैं तब क्या होता है। ये तीन टॉपिक पर हम लोग विचार करेंगे जो न्यूमेरिकल बनाने में हमारा काम आएगा। चलिए इसको कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।